बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फैमिली, होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ द रिएक्शन वीडियो, और ये रिएक्शन वीडियो बनाते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अजब झूठ की गजब कहानी तो ऐसा ही कुछ है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो इमोशनल दीवा हैं ऑन YT, जी हाँ तारा, जिन्होंने अपने हस्बैंड की बारात को इंस्टा पर शेयर किया, हालांकि वो YT पे शेयर कर सकती थी क्योंकि YT पे उन्हें ऑलरेडी काफ़ी लोग देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंस्टा पर शेयर किया। तो जनाब उस टाइम मोहतरमा का कहना था कि मोहतरमा यहाँ बिल्कुल अकेली हैं, उनके पास कोई भी नहीं है। तो इसका मुझे तो एटलीस्ट यकीन नहीं था, लेकिन आज जो है ये बात मेरे यकीन को और मजबूती बख्श गई कि जो उनके भांजे हैं या रिलेटिव हैं दिलबर, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि कौन कहता है कि तारा अकेली थी। तारा के साथ उनकी अम्मी थी, क्योंकि जो उनकी अम्मी हैं तो वो तारा की बड़ी बहन है, और वो सब तारा के साथ थे। और लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि तारा अकेली थी, तो तारा तो ये खुद कहती हैं कि वो अकेली थी। तो दिलबर आप बेटर है कि ये सवाल तारा से कीजिए कि तारा जो है वो ऐसा क्यों कहती हैं कि इतने सारे रिश्तेदारों के पास होते हुए भी वो तन्हा थी। पहली बात। दूसरी बात, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि तारा हर जगह जा रही हैं, मगर पंजाब में उस जगह नहीं जा रही जहां उनके जो भाई हैं नदीम, उनका बीमार बेटा है और उसे उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए था। तो दिलबर ने इसके रिप्लाई में बड़ी ही अजीब लॉजिक पेश की। उन्होंने फरमाया कि जब तारा की शादी हो रही थी तो जो ये नदीम साहब हैं वो और उनकी फैमिली जो है तारा के घर वालों से बहुत ज़्यादा फाइट की थी उन्होंने इस इशू को लेकर, तो नाराज़गी है। तो अब तारा जो है वो नदीम भाई के घर पंजाब में अकेली तो जाएंगी नहीं, अपने हस्बैंड के साथ जाएंगी, और जो नदीम भाई की फैमिली है वो उनके हस्बैंड से अभी तक नाराज़ है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा है तो नदीम भाई जो हैं वो क्या कोई अपने ऊपर जादुई चादर ओढ़ के या सर पे कोई जादुई टोपी पहन के रह रहे हैं कराची में तारा और जीते भाई के घर के, जहाँ जीते भाई उन्हें नज़र नहीं आते, या कराची कोई स्पेशल जगह है कि यहाँ आते ही सबकी नाराज़गी जो है एकदम से ख़त्म हो गई और पंजाब जाते ही वो दोबारा एक दूसरे से नाराज़ हो गए। तो जो हकीकत है ना, आप लाख झूठ बोलें आपके लिए मसाइल खड़े करेगी, और आपने अपनी इस वीडियो को बनाकर एक बहुत बड़ा सवाल तारा की क्रेडिबिलिटी पे खड़ा कर दिया है। कैरी ऑन इसी तरह एक्सपोज करते रहें आप तारा को। अच्छे जा रहे हैं, खुश रहेगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।